हाँ जी, की हाल चाल? बढ़िया सब भाई। आप लोगों के इतने कमेंट आ रहे थे कि 12 घंटे कार में रहो, ये वाले चैलेंज चल रहे हैं ना आजकल कि 12 घंटे, पूरे 12 घंटे लोग कार में रहते हैं। ये वाले चैलेंज की बहुत वीडियो आती है, पर होता क्या है, लोग कार में ही रहते हैं, मतलब कार कहीं जाती नहीं, एक जगह कार खड़ी और 12 घंटे उसमें रह रहे हैं, सो गए, इस तरीके की वीडियो होती है। तो हम थोड़ा अलग करेंगे, कैसे, कार में ही रहेंगे पर कार रुकेगी नहीं, मतलब ऐसे नहीं कि चलती रहेगी 12 घंटे, पर एक जगह फिक्स नहीं रहेगी कि 12 घंटे एक ही जगह रहेगी। यहाँ से निकलेंगे दिल्ली, पूरा दिल्ली घूमेंगे, जितने बॉर्डर हैं उन्हें टच करने की कोशिश करेंगे, मतलब बहुत दूर दूर तक घूमने की कोशिश करेंगे 12 घंटे, इधर कभी यहाँ कभी वहाँ ऐसे घूमते रहेंगे। मज़ा आएगा आपको पूरा। अगर एक ही जगह कार फिक्स कर देंगे तो ना तो हमें मज़ा आएगा ना आपको मज़ा आएगा। यार रात को घर पर सोते हैं ना तो कार में ही सो जाएंगे, क्या डिफरेंट हुआ? तो थोड़ा अलग करने की कोशिश करेंगे, और कोशिश करने वाले कौन है, लक्की और मैं। लक्की तो रात को लक्की रहेगा, मैं रहूंगा, और यहाँ से जाके हम दिल्ली में आशू को और गोलू को पिक करेंगे। वहाँ पे वो दो जने, तो हमारा तो 8 बजे चैलेंज शुरू हो जाएगा, अभी 8 बजे में देखो 5 मिनट है, 8 से 8, रात के 8 से सुबह के 8 तक हम कार में रहने वाले हैं, उनको पिक करेंगे जो भी टाइम हम पहुँचेंगे वहाँ से, और रात को ड्रॉप कर देंगे। वो कम टाइम के लिए रहेंगे पर हम पूरे 12 घंटे रहने वाले हैं। और क्या क्या होगा बाकी भाई, अपना गाड़ी, ये तो भाई ने बताई थी 12 घंटे रहेंगे। सबसे मेन चीज़ ये है कि नाम गाड़ी से बाहर उतरेंगे, और जो भी मतलब हमें खाना है तो गाड़ी के अंदर खाएंगे, कोई देखे आ तो अच्छी बात है, वैसे दिल्ली में कोई देता नहीं है गाड़ी में सर्विस, पर गाड़ी में ही खाना खाएंगे, वॉशरूम वगैरह जो भी है सब गाड़ी में ही होगा, सब कुछ गाड़ी में होगा, गाड़ी से उतरने नहीं वाले, बहुत खतरनाक चीज होने वाली है। एक जगह रहते हैं तो एडजस्ट हो जाता है, जब आप बाहर जाते हैं तो कोई भी दिक्कत हो सकती है, बाहर उतरना पड़ सकता है, तो सारी दिक्कतों का सामना करने वाले हैं आज की वीडियो में। तो वीडियो को लाइक कर दो क्योंकि बहुत खतरनाक वीडियो होने वाली है। हाँ एक चीज और जो मेरे रिटेलर और डीलर भाई देख रहे हैं ना, उनके लिए एक डील लेके आया हूं, एक्सक्लूसिव डील है, लॉक द डील नाम से ऐप है, आपको बहुत फायदा होगा। कैसे, उस ऐप पे क्या होता है, अमेजोन है वो, इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट्स का अमेजोन समझो, उस पर क्या क्या है, तो आपको प्ले स्टोर पर जाके लॉक द डील ऐप को डाउनलोड करना है, और यहाँ पे एनर्जी और इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट्स का अमेजोन है, यहाँ पे सब कुछ मिलेगा। इस ऐप को आप डाउनलोड कर लेंगे ना तो आपको दुकान के लिए सारे प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे, इन्वर्टर, बैटरी, ऑटोमेटिव बैटरीज, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस और भी बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। ऑर्डर करते ही ना आपके जो सामान है वो सारा आपके दरवाजे पे आ जाएगा, वो भी डिस्काउंटेड रेट पे, सभी ब्रांड्स एक ही छत के नीचे मिलेंगे, और वो भी चॉइस के साथ, एक्साइड, ल्यूमिनस, लिवगार्ड, लिवफास्ट और बहुत बड़े बड़े ब्रांड हैं, जितने इलेक्ट्रिकल ब्रांड्स हैं ना, हैवेल्स, ऊषा, बजाज, जिसपे हर हफ्ते डील चलती रहती है। और एक साथ आप ऑर्डर करने की जरूरत नहीं है, जितनी क्वांटिटी चाहिए उतने ही मंगाते रहो, और बल्क ऑर्डर पे आपको डिस्काउंट, लॉक द डील की वारंटी है, क्रेडिट फैसिलिटी और 48 घंटे में कंफर्म डिलीवरी भी मिलेगी। तो किसी भी जानकारी, डील, ऑफर, डिस्काउंट सीधा व्हाट्सएप कर सकते हैं, नंबर ये रहा स्क्रीन पे, मैंने दिखा दिया नंबर, तो यहाँ पे आप कॉन्टेक्ट कर लो, कोई भी डाउट क्वेरी यहाँ पे सॉल्व हो जाएगी। तो खोलिए अपनी दुकान लॉक द डील से, और लिंक दिया है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो डाउनलोड कीजिए लॉक द डील ऐप। तो अब यहां से चलते हैं, सीधा कार में बैठते हैं और निकलते हैं दिल्ली के लिए, चल। तो अभी दिल्ली पहुंच चुके हैं, टाइम लग गया काफी, जाम वाम, ट्रैफिक वगैरह था, तो अब दिल्ली पहुंच के आशु और गोलू को बुलाना है, तो आशु को बोलता हूं मैं। हेलो आशु, कहाँ है? बढ़िया बढ़िया, कहाँ है तू? मैं भाई घर पे हूँ। आज आज नाइट आउट है? आज? हाँ पूरी रात गाड़ी में ही रहना है भाई, पहले तो बता दे। अरे आजा 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 तू, आज पूरी रात मजे लेंगे, जल्दी आ, गली के बाहर ही खड़ा हूँ तेरी। भाई यार आजा, जल्दी आ, जल्दी आ, गोलू को भी लिया, गोलू को भी लेकर आ, आजा आजा जल्दी, जो कपड़े पहन रखे उसी में आजा, जल्दी आ, आजा आजा, गोलू को भी लिया। चल ठीक है, आ रहा हूँ।
तो आशु के साथ तो एकदम सरप्राइज था, हमने उसको बताया नहीं था कि ऐसे रात का नाइट आउट है, 12 घंटे कार में रहना, तो उसको कुछ नहीं पता। अगर उसने खाना खाया हुआ होगा तो ठीक है, वरना भी बहुत मुश्किल हो जाएगा कि रोड साइड अगर खाना मिलेगा तो ठीक है, क्योंकि खाना में गाड़ी के अंदर ही चाहिए, गाड़ी से उतर के बाहर नहीं जाने वाले। तो यही ट्राई करते हैं, आशु को आने दो, तब उसको बताएंगे खाने वाने का ऐसा सीन है। लो भाई आशु भी आ गया। भाई कहाँ चल रहा है? गाड़ी में बैठ, फिर बताएंगे, गाड़ी में बैठ। अरे बैठो यार, दोनों फटाफट आगे। आशु भी आ गया, गोलू भी आ गया, बेचारा जैकेट पहनना है। हेलो दोस्तों, मैं तो आधी जैकेट पहन गया। तो भाई टाइम हो गया है 11 बजने वाले हैं, 22:56, इतना लेट हो चुका है, बट दिल्ली में अभी भी ट्रैफिक है। देखो एक बार बस, अभी हम जा रहे हैं सीपी, वैसे कनॉट प्लेस जा रहे हैं, दिल्ली की फेमस जगह। सामने लिखा है प्रगति मैदान। बहुत देर होगी ड्राइव करते करते, मैं भी थक गया हूँ। तो अब क्या करेंगे, ड्राइवर चेंज, अब लक्की चलाएगा, और ड्राइवर चेंज भी हम गाड़ी के अंदर ही करेंगे, गाड़ी से नहीं उतर रहे बिल्कुल भी। गाड़ी के अंदर ही करोगे? हाँ बिल्कुल, कुछ नहीं उतरना, गाड़ी से तो उतरना ही नहीं आज। थोड़ा तुम पैर पीछे कर लो अपने, और ये हो गए ड्राइवर चेंज। भाई गद्दी आगे करो, हमारे पैर रुक जा, रुक जा, अभी कर रहा हूं। ले बहुत है और करो, सीट करो भाई, रुक जा, रुक जा, बस आ गया बंगला साहिब गुरुद्वारा। देखो कितना प्यारा है, हमें तो गाड़ी से उतरना नहीं है, वरना यहाँ पे जाके बहुत सुकून मिलता है, बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे गुरुद्वारे में। इंडिया पोस्ट ऑफिस था ये, क्या था, हाँ भारतीय डाक वो था अभी पीछे, और क्या क्या आ रहा है यहाँ पे, नीति आयोग जो अभी बना था मोदी जी ने बनाया था, प्लानिंग कमीशन को चेंज करके बनाया था ना वो। तो ट्रैफिक को देखते हुए लग रहा है कि हम इंडिया गेट पहुंच गए शायद। और देख यार कुछ खाने को मिले तो गाड़ी में दे दे, मान है अभी तो गोलगप्पे वाला, गोलगप्पे वाले के पास आता है, हाँ वो बंद है ना उधर, ये इंडिया गेट लोग नहीं देंगे ना। तो इंडिया गेट जा चुका, और इधर पूरी मार्केट है इंडिया गेट की, जहाँ पे साइकिल चलाते हैं, घूमते हैं लोग, छोटी छोटी नन्ही सी साइकिल होती है, देखो पूरी क्या विषय, क्या ले भाई, आइसक्रीम दे दे यार, पांच पांच वाली चार, पांच पांच वाली चार, दस वाली मैंगो वाली चाहिए, ऑरेंज है, ऑरेंज का आएगा, और कौन कौन सी है, वो तो वही ला रहा समझ के, गरीब है, कौन सी लेगा मैं, मैंगो ना ऑरेंज है, कितने हुए भाई, 50 हो गए, अबे चार लीजिए, चार एक आप खा लो भाई हमारी तरफ से, अरे खा लो यार भाई, प्लीज भाई मना क्यों कर रहे हो भाई, ठीक है भाई बाय। लो चलो आइसक्रीम। तो गाड़ी में बैठने के बाद जो पहली चीज खाने को नसीब हुई है वो है आइसक्रीम, तो अभी आइसक्रीम खा रहे हैं, जो बुद्धि गर्म होगी तो ठंडी कर ले लो।
अबे मुझे भी छील के दे दियो, मैं ड्राइव कर रहा हूँ। अब देखते हैं यार कुछ खाने का मिल जाए तो गाड़ी में ला के दे दे। तो अभी हम हैं संजय वन एरिया के पास, दिल्ली में ये फेमस है हॉन्टेड के लिए कि यहाँ पे कुछ ना कुछ देखा है, जिन लोगों ने यहाँ पे ट्रैवल करा उन्हें कुछ ना कुछ दिखता है। अब हमें कौन दिख रहा है, एक ये लड़का ऐसे घूमते हुए, एक आध कुत्ता, देखते हैं कुछ मिलता है या नहीं। यहाँ पे भाई मिलेगा जब मतलब हमें बाहर उतर के जाना पड़ेगा, पर मेन तो चीज यही है कि हम गाड़ी से बाहर नहीं उतर सकते। तो अगर आप चाहते हो कि इस पे एक वीडियो बनाई जाए अलग हॉन्टेड जगह पे, तो हमें कमेंट में बताना, हम ये भी ट्राई करेंगे। मंदिर कर देख, पेड़ के पीछे कुछ था। देखो बैग, नो रुक जा रुक जा, देश निकल गया कार के सामने, पीछे ले कुछ था सही में। हाँ, गोप्रो ऑन था ना, हम देखते हैं गोप्रो में शायद आया हो। नहीं गोप्रो बंद है, वो डाउन है आगे से। देख इधर की साइड की, अच्छा देख इधर आशु दिखा कुछ, देख इधर देखो, अगर स्टीयरिंग इधर काटते ना अब नहीं दिख रहा यार बिल्कुल भी। तो देख पत्ते हिल रहे हैं अभी भी, बाकी सारे पत्ते शांत है, सिर्फ उधर के पत्ते हिल रहे हैं। देख उधर दिख रहा है, टॉर्च दिखाई, एक बार टॉर्च मार, टॉर्च दिखाई, एक टॉर्च आएगा, मैं टॉर्च मार के दिखाता हूँ उधर की तरफ कहीं पत्ते। देखो वो पत्ता दिख रहा, तो देखो उधर के हम टॉर्च लेके आए ना इसके, वो जो एक अकेला पत्ता हिल रहा है ना, उधर के आसपास के पत्ते हिल रहे थे और बाकी कहीं कोई पता नहीं, कहीं पे कुछ नहीं हिल रहा, केवल एक वो इधर वही पे फोकस कर दोबारा उसका, तो भाई वो अलग ही हिलता हुआ दिख रहा है। अब जो आप ध्यान से देखो, जूम करूंगा तो इमेज खराब हो जाएगी इस वजह से, बट अलग ही आपको जो हमें कोई दिखाई दिया था वो इधर की तरफ था, इधर आ गया। और पेड़ देखो है कैसे वाले अलग से, देखते हैं वहां रोड पर कुछ मिलता है तो। तो अभी संजय वन के एरिया में चल रहे हैं और रोड पे कोई भूत नहीं वगैरह, भूत कुछ भी दिख जाए मजा आ जाएगा, कुछ हटके चीज मिल जाएगी वीडियो में, कुछ अलग हो जाएगा, देखते हैं क्या मिलता है। लिया भाई मैक्रोनी लिया। क्या टाइम हो गया भाई?
टाइम हो गया 4 बजे सुबह भाई, 1:30 बज गया, 1:30 बजा, अभी तो बहुत टाइम है। मेरे लिए खाओ ठीक है। भाई खाना बढ़िया था, खाने में कोई दिक्कत नहीं, मजा आ गया। अब आगे चल रहे हैं। चुका जा चलो भाई आते दोबारा, खाना बहुत बढ़िया था। ठीक भाई अच्छा लाइट ऑन नहीं करी मैंने। वैसे अभी हम रात को हाई बीम पे चला रहे हैं, पर हाई बीम पे चलाना नहीं चाहिए, सामने से कोई आ रहा हो ना, जैसे हम ही चलाते रहते लोग हाई बीम पे आते बहुत दिक्कत होती है। अभी हाई बीम क्यों करा है? क्योंकि खाली रोड है, सामने का देखना है, लो बीम पे सामने दिखता नहीं, तो हाई बीम पे अवॉइड करा करो चलाने गाड़ी। तो दिल्ली भ्रमण करते हुए हम पहुंच गए हैं कुतुब मीनार। कुतुब मीनार का बोर्ड है, और इधर यहाँ पे पार्किंग एरिया या जो भी है घूमने का, दिन में रहता जो भी सीन है, रात को सब बंद है। वो गेट है कुतुब मीनार का जहाँ से एंट्री होती है, फिलहाल वो भी बंद है। रात हो रही है, रात का टाइम है, अभी टाइम देखो कितना हो गया, 1:48 हो रहा है यहाँ पे, बजने वाले हैं रात के। इतनी रात को तो घंटा कुछ नहीं खुला मिलता, बस हमें तो 12 घंटे पूरे करने ना कार में, तो कार में इधर उधर पूरा दिल्ली घूमेंगे। अभी कुतुब मीनार आए हैं, अब इसके बाद जो आसपास की जगह होगी वहां पे चलते हैं। कुतुब मीनार की मीनार नहीं दिखाई दे रही क्योंकि अंधेरा हो रहा है, रात हो रही है ना, दिन में तो दिखाई दे जाती है वो, फिर भी देखते हैं यार मिले तो लाइट से दिख जाएगी। गाजियाबाद से? गाजियाबाद से इधर से कैसे आ रहे हो? हैं? इधर से कैसे आ रहे हो? पहले कनॉट प्लेस लाइट जलाओ जी, देखो चलो तो भाई तो हम गुड़गांव में एंटर हो गए हैं, ये रहा हरियाणा का DLF मॉल। तो भाई गुड़गांव में एंटर कर चुके हैं, और सारी बड़ी बड़ी कंपनियां यहाँ आपको दिखाई देंगी। बहुत महंगा, बहुत खतरनाक इलाका है ये, साइबर हब जो है ना। अब देखो यहाँ पे अभी दूर दूर कंपनियां दिख रही होंगी, देखो उधर अमेरिकन एक्सप्रेस और ये सब है, सारी MNC मल्टीनेशनल कंपनियां हैं। इधर सामने DLF है, स्टैंडर्ड चार्टर्ड, मेरा एरिक्सन, DLF, पूरा साइबर हब फेमस इसलिए है क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा MNC है, कंपनियां बहुत ज्यादा है, बहुत फेमस है। भैया चाय है, भिजवा दो चाय, चाय है, चाय चार चाय भिजवा दो, चार चाय, अदरक वगैरह डाल देना भैया बढ़िया। तो भाई टाइम क्या हो गया, 3 बज चुके हैं, ये देखो अभी मैं दिखाऊं आपको, उल्टा दिख रहा होगा तो हाँ दिखा दे, इसमें भी तो उल्टा ही दिखेगा, 8 मिनट अरे वो वैसे दिखेगा, हाँ लेफ्ट राइट वाला उल्टा। तो अभी हम हैं छतरपुर के पास,
और दिल्ली का एंड है, गुड़गांव से आ चुके हैं। आगे अभी हमने पूछा था एक से ये वाली रोड कहाँ जा रही, मतलब ऐसे ही रैंडम पूछ लिया कि रोड कहाँ जा रही, तो उसने बताया कि भाई ये रोड है आगे थोड़ा पहाड़ी इलाका है। भाई देखते हैं पहाड़ी इलाका है कौन सा इलाका। सब देख रहे हो हाल, टाइम के साथ हालत ऐसी हो जाती है। गोलू को देख लो, उधर आशु को देखो, आने वाली बस तो धीरे धीरे सब ऐसे नॉर्मल होने लगता है। कि होता क्या है, रात को 3 बजे के बाद का जो टाइम होता है ना, वो होता है सबसे ज्यादा थकाने वाला। तो यही है जो मेन टाइम है ना, 3 बजे के बाद का, ये वाला मेन टाइम चल रहा है। अब थोड़ी देर और इधर उधर देखते हैं क्या चीजें हैं, फिर उसके बाद अपना घर की तरफ निकलेंगे। फिर घर पे नहीं जाएंगे, सोएंगे नहीं, अभी 8 बजे तक तो कुछ नहीं करना, अपना स्टूडियो जाएंगे, स्टूडियो में वहीं आसपास गाड़ी लगाएंगे, गाड़ी में कंबल हम लेके आए थे, फिर गाड़ी में सोएंगे। 8 बजे तक तो गाड़ी में ही रहेंगे भाई। डे में तो हो जाता है 12 घंटे, पर नाइट में और नाइट में काउंट करोगे ना यार, बहुत दिक्कत होती है यार, भूल जाएंगे। भाई सब लोग आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो आपको भी एक छोटा सा काम तो करना है ही, केवल वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना है और दबा के शेयर ठोकना है। तो अभी चाय आए, चाय पी के फिर थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो चाय पी के अब निकले हम, ऐसे बिल्कुल अलग हटके एरिया पे आए हैं। ऐसा बहुत स्मूथ चल रहा था, बहुत लाइटिंग थी, पर सामने एकदम गुप अंधेरा है, बहुत अलग रास्ता है। दिल्ली में ऐसा रास्ता शायद ही आपने देखा होगा, तो एक बार पीछे दिखाता हूँ। पीछे देखो बिल्कुल रोशनी, बहुत अच्छा एरिया, और सामने एकदम गुप अंधेरा। देखो पीछे एक बार, भाई हम वापिस दिल्ली के आधे रास्ते से उधर आगे चाह चुके हैं। हम तो हरियाणा में थे, मेन तो गुड़गांव के एरिया में थे, दिल्ली आ गए, दिल्ली के मिड पार्ट में आ गए, करोलबाग पार कर लिया। अभी आशु और गोलू को ड्रॉप करेंगे। इन दोनों का हाल देखो, इसे से ठीक है, आशु आशु का हाल देखो क्या हुआ पड़ा। आशु जिंदा है? आशु चित हो गया भाई, घर आ गया तेरा? आजू को पता है कि अब भी पागल बना रहे हैं। जब से भाई हम बार बार आ चुके ऐसे कर रहे हैं, और 5 मिनट बाद उठा के घर आ गया तेरा, उतर जा। एक तो दिल्ली में यार हालत खराब होते, मतलब हद कर रखा है। हुआ क्या था, जितने स्पीड लिमिट के साइन थे ना, उन सब पे कुछ ना कुछ लेवल लगा दिया, कुछ ना कुछ मतलब स्पीड लिमिट कम करके लेवल लगा दिया। पहले था 70 की लिमिट थी, तो उसको 50 कर दिया, कहीं कहीं 35 की लिमिट है। अब आप एक बात बताओ, बहुत ज्यादा ओवर स्पीडिंग के चलान कटते हैं। ओवर स्पीडिंग हम कोई 100 नहीं चलाते, 90 नहीं चलाते, 70 की स्पीड पे चलान कटता है, 70 की स्पीड। अब सोच रहे हो 70 यार बाइक पे चलती है, खाली रोड है बिल्कुल, आप पुल से उतर रहे हो, आपकी स्पीड बढ़ेगी बढ़ेगी यार, एकदम से एक्सीलेट तो होगी गाड़ी, वहां जाके चलान कट जाएगा। इतने ज्यादा ओवर स्पीडिंग की खतरा रहता है। रेड लाइट तो है, ठीक है रेड लाइट हम मानते हैं, पर यार ओवर स्पीड की हद कर रखी है। दुनिया भर के चलाने बहुत ज्यादा चलान कटते हैं। और भाई यहाँ पे सबसे ज्यादा दिक्कत पता है कब होती है, देखो अब हम रेड लाइट में खड़े हैं, पर यहाँ कोई ना कोई चीता ऐसा जरूर आएगा। देखो जैसे ये भाई आए हमारे, इन्हें पता ही नहीं है कहाँ जाना है, तो कहीं ना कहीं से ऐसे आते रहते हैं, इनसे भी बहुत बच के रहना पड़ता है। रेड लाइट तो खैर अच्छी बात है, रेड लाइट पे तो रुकना चाहिए, पर यार ओवर स्पीडिंग का थोड़ा ज्यादा हो गया अब, बहुत ज्यादा है। टाइम देखो एक बार, टाइम हो गया है 4:30 से ऊपर, और मैप में हमें भी नहीं पता हमने क्यों क्या डाल रखा, बस घूम रहे हम भी। हाँ कभी कुछ डाल रहे हैं, कभी कुछ डाल रहे हैं। तो मेरा घर उतार दो। क्या गांव उतार दे? मुझे मेरा घर उतार दो भाई, जैसे इस बार क्या हो गया भाई, क्या करेगा सो के, सो तो रही है तू। अब भाई टाइम हो गया 5:45 बज गए हैं, मैं दिखाऊंगा घड़ी में अगर दिख रहा हो आपको, देखो कहाँ है लेंस, लाइट में लिया इसे, अब दिख रहा है, देखो 5:45 बज गए हैं, अगर इसको आप मैनेज कर लो उल्टा करके, तो नींद आ रही है बढ़िया करके। अभी 5:45 बजे हैं, आशु और गोलू का ड्रॉप पॉइंट आ गया, जहाँ से हमें हमने इन्हें पिकअप करा था, वहीं हम इन्हें छोड़ रहे हैं। तो आशु और गोलू जा रहे हैं अपने घर। भाई दोस्तों मज़ा पूरा आया,
देखो मैं तो ये कहूंगा कि भाई यश ने पूरी दिन मतलब गाड़ी चलाई, बहुत पूरी रात चलाई है, पूरे दिन नहीं चलाई, मतलब 12 घंटे यार भाई का भी टारगेट है, इसमें 2-4 घंटे हैं अभी, भाई को जाने में भी टाइम लगेगा, पर यार सीरियसली बहुत मजा आया, और पर भाई ने बहुत मेहनत भी की, तो यार वीडियो को लाइक भी कर देना और शेयर भी कर देना यार अपने दोस्तों में, भाई के लिए इतनी मेहनत करी है यार, आप लोगों के लिए करिए ये, सब्सक्राइब करना मत भूलना, सुन लिया गोली की भाई, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, अब घंटा बजाना तो घंटा बजाना भाई। हाँ, तो अच्छा दोस्तों अब हम चल रहे हैं, हम भाई सोएंगे, हमें तो आ रही है नींद अभी भी। चलो ठीक है, तो इनका चैलेंज तो छोटा था पर हमारा पूरा 12 घंटे का, लक्की अरमा भी यहीं बैठे हैं, हम उतरेंगे 12 घंटे बाद ही, तो यहाँ से निकलते हैं अभी दिल्ली से, अपने गाजियाबाद पहुँचते हैं। चलो दोस्तों बाय। तो जहां से शुरुआत हुई थी सारी चीजों की, 8 बजे जहां से गाड़ी निकली थी बिल्कुल गाड़ी वहीं जा रही है, टाइम 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 हो गया पूरे यार, ये देखो भाई 8 बज चुके हैं और चौथा पूरा 12 घंटे कार में हो चुके हैं, बहुत ज्यादा थक गए हैं, चश्मा टब है, अब देखो आंखें देखो, पता चल रहा है ये आंखें देख के आपको पता चल जाएगा कितनी मेहनत लगी ये वाला पूरा का पूरा शूट करने में, 12 घंटे कार में यार आसान नहीं होता, बहुत मुश्किल हो जाता है, कभी करोगे तो आपको पता चलेगा। तो अब इतनी मेहनत हमने करी है, अलग अलग एक्सपीरियंस रहे, घूमे हैं, सुनसान रोड भी मिली, खाना भी मतलब गाड़ी के अंदर खाना मिलाना बहुत मुश्किल हो गया था, फिर एक जगह मिली वहाँ पे हमने चिली ऑर्डर करे, चिली नहीं मिले, पर कोई नहीं, मैक्रोनी आ गई थी, चाउमीन बहुत अच्छी बनी थी, वहाँ पे पेट भर गया हमारा, पानी वगैरह तो मिलता रहा, पानी की कोई दिक्कत नहीं। तो ओवरऑल हमारा एक्सपीरियंस, पहली बार मैंने एक्सपीरियंस किया था कि 12 घंटे कार के अंदर रहना, ट्रैवल करते रहते उतर जाते इधर उधर रहता नॉर्मल चलता है, पर 12 घंटे कार के अंदर एकदम टोटल डिफरेंट एक्सपीरियंस है। अगर आपको मजा आया वीडियो में तो वीडियो करना लाइक, और इतनी मेहनत हम करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।
तो अब हम जा रहे हैं सोने, बाय बाय।